3, 2, 1. मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं अजमेर के यात्रियों के लिए सुखद खबर सामने आई है। रोडवेज बस स्टैंड से अब 5 बसों का संचालन और किया जाएगा। अनिल पारिक मुख्य प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया जिसमें यात्रियों को काफी सुविधाएं प्राप्त होगी। वहीं रोडवेज पर सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर मास्क की व्यवस्था में ध्यान दिया जा रहा है। इसके बावजूद यात्री और रोडवेज कर्मी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मीडिया के कैमरे उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की और अगर इसी तरह से व्यवस्था की गई तो कोरोना को हराना बहुत मुश्किल होगा। सर, राजस्थान में कितनी बसें और चली हैं, किस रूटों पर चल रही हैं? अजमेर में 5 रूटों पर गाड़ियां और चलाई गई है, जिसमें से कोटा जो 3 बजे चलेगी, यहाँ से कोटा जाके नाइट करेगी। एक मालपुरा चलेगी 14:45 यानी 2:45, वो मालपुरा जाके नाइट करेगी। एक बार मालपुरा जाएगी, फिर अजमेर आएगी, फिर मालपुरा नाइट कर लेगी। 2 गाड़ियां जयपुर रिटर्न चलाई हैं, जो सुबह एक तो 8:30 बजे रवाना हो गई, एक 11:30 बजे रवाना हो गई। जयपुर जाके आएंगी, फिर जयपुर जाएंगी, फिर आएंगी। और एक गाड़ी कुचामन के लिए चलाई है, जो 5 बजे जाएगी और कुचामन जाके नाइट करके सुबह वहाँ से रवाना होगी। ऐसे 5 गाड़ी नहीं चलाई गई है, 5। नहीं, इंटरस्टेट हमारी कोई गाड़ी नहीं जा रही। आज हमारी एक गाड़ी मोक्ष कलश लेके जा रही है, मोक्ष कलश की यात्रा लेके जा रही है हरिद्वार। सर, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का बस में पालन करा जा रहा है, क्या है? हमारी बस में कैपेसिटी के हिसाब से यात्री बैठे हैं और हमारे उसके सैनिटाइज करा के बसें निकाली जाती हैं। सबको मास्क लगाने के लिए कहा गया है। हमारे कंडक्टर ड्राइवर जो है और बुकिंग क्लर्क को है, पूरी ग्लव्स वगैरह सैनिटाइज बुकिंग करा रखी है, मास्क लगा रखे हैं और हर तरीके वो शील्ड लगा रखी है, जो शीट होती है वो लगा रखी है और उसके तरीके से हर तरीके से चाक चौबंद तरीके से हैं। सैनिटाइजर कराया जा रहा है और हर तरीके से, और कंडक्टरों को एक एक स्प्रे सैनिटाइजर की वो शीशी दी गई है, जिससे कि वो गाड़ी में भी जो यात्री लोग हैं उनके सैनिटाइज कराए। ऐसे में कोई यात्री मास्क लगा के नहीं बैठा, वो तो उसके ऊपर क्या होगा? नहीं, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, उससे कहा जाएगा, उसको उतार दिया जाएगा, भैया मास्क लगाओ। सुविधा का पूरा इसका कोरोना के बचाव के लिए, अगर आपको कोरोना से बचाव में यात्रा करनी है तो रोडवेज से बढ़िया यात्रा कहीं नहीं हो सकती। अनिल पारिक, मुख्य प्रबंधक CBS अजमेर। अजमेर चाइल्ड लाइन व कोतवाली थाना के तत्वाधान में जागरूकता अभियान किया गया। 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। इस जागरूकता अभियान में कोतवाली थाना क्षेत्र से पैदल निकलते हुए नया बाजार गोल प्याऊ मदार गेट तक लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया। इस मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी शमशेर खान व चाइल्ड लाइन प्रभारी अशोक विश्नोई मौजूद रहे, जिन्होंने बाल श्रम लोगों से नहीं करवाने लेकर उनको जागरूक किया। इसके साथ ही कोविड-19 के तहत मास्क का उपयोग करने के लिए लोगों को हिदायत दी। 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस है। इस संदर्भ में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मजदूरी पर नहीं रखने का आग्रह किया जा रहा है और जागरूकता फैलाई जा रही है। इसके साथ ही कोविड-19 प्रकोप के चलते सभी से सोशल डिस्टेंसिंग रखने, मास्क पहनने और आवश्यक होने पर ही घर से निकलने का संदेश दिया जा रहा है। अशोक बिश्नोई, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, अजमेर। अजमेर में अगर बात करें कोरोना को लेकर तो खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन आम जनता के साथ साथ प्रशासन भी अब लापरवाह होता नजर आ रहा है। अजमेर के अजय नगर स्टेट बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ गोले बने हुए हैं, लेकिन भीड़ उन पर नहीं खड़ी हो रही है। जहां प्रशासन ने 2 गज की दूरी का नियम निकाल रखा है, उसकी पूर्ण रूप से इस बैंक के बाहर धज्जियां उड़ती दिखाई दी। अगर इसी तरह नियमों की धज्जियां उड़ेगी तो अजमेर संक्रमण का खतरा कम तो नहीं होगा, लेकिन बढ़ जरूर जाएगा। अजय नगर स्टेट बैंक पर जन धन योजना में आए पैसे निकालने के लिए ग्राहक पहुंचे, लेकिन ग्राहकों की भीड़ इतनी थी कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग तक भूल गए।
जिसके बाद वहां बैंक कर्मचारियों ने दूरी बनाने की बात कही, लेकिन इस भीषण गर्मी के अंदर वह लंबी लाइन लगाकर खड़े होने पर मजबूर हैं लोग। किसी चीज का आप लोग वही नहीं कर रहे हो, सोशल डिस्टेंस की पालना करो ना। आपने कितने गोले बना रखे, क्यों नहीं हो पा रही पालना? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कम से कम 60 से 65 गोले बनाए हुए हैं, और जो विशेष तौर पर जो हमारी महिलाएं कस्टमर जो है हमारी, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग गोले में रखो। सभी का काम हम करने के लिए यहाँ सेवा देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं सर, पब्लिक मानती नहीं। अब इनको कितना समझाएं सर, आप बताइए। और इनको मैंने कहा भी, आपको सबको मैंने 2 काउंटर अंदर चला रखे, इनको सबको मैं बैलेंस चेक करके इनको बैलेंस दे दिया है, मैंने बता दिया कि इतना आपके अकाउंट में बैलेंस है, आप बस गोले में लगे। थोड़ा कोऑपरेट करेंगे सर तभी काम होगा, थोड़ा संयम के साथ रहना पड़ेगा इन लोग को। सर सभी को, सर हमने हमारी तरफ से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका हम पूरा ख्याल रख रखें। लोगों को हमने ये तक भी कहा हुआ है कि आप रहना मास्क लगा के आए बैंक, लेकिन आप देख सकते हैं सर लेडीज लोग हैं जो मानती नहीं है, तो अब इनका हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। इनको इतना सर जागरूकता की इतनी कमी है, और लोगों को सबको मैंने बताया हुआ है, जिनके खाते का जो अंक है 01 है उनका, सबको डेट के हिसाब से पेमेंट बताया हुआ है, लेकिन सब लोग डेली आते हैं, आके पेमेंट लेना चाहते हैं, लेकिन जिसके अकाउंट में बैलेंस होगा उनको हम देने को तैयार हैं, लेकिन जो नहीं है सर उनको तो हमें वापस भेजना ही पड़ेगा, वो चीज़ है सर। ये कौन सी बैंक है? ये सर बैंक ऑफ इंडिया अजय नगर ब्रांच। आपका नाम? मेरा नाम रोहित सोलंकी, शाखा प्रबंधक। शराब का ठेका खुलने पर किया प्रदर्शन, क्लॉक टावर पुलिस पहुंची मौके पर। आशागंज क्षेत्र वासियों ने शराब के ठेके के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, सूचना पर पहुंची क्लॉक टावर पुलिस। पुलिस ने क्षेत्र वासियों से की समझाइश। हमारे यहाँ पे छोटी बड़ी बहन बेटियाँ हैं, हम यहाँ नहीं चाहते दारू का ठेका खुले। गंदे लोग आते हैं यहाँ पर, एक दूसरे की किसकी नज़र कैसी है, किसकी नज़र कैसी है, इसलिए हम यहाँ दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे, इसलिए हम प्रशासन करना चाहते हैं। कौन सी जगह है? आशागंज गौशाला के पास, हरिजन बस्ती। आपका नाम? अजय नगर रोड। मेरा नाम पूनम हटवाल। ये अपने गौशाला के पास जो है, यहाँ पर कोई देसी शराब का या विदेशी शराब का कोई ठेका है, उसकी लोकेशन पास हुई है, जिस पर आसपास के जो कॉलोनी वाले हैं इन्होंने बताया कि आसपास कॉलोनियाँ हैं और रहायशी इलाका है, और यहाँ इस बात को लेकर इनमें विरोध है। तो इन लोगों को बताया गया है कि विरोध के लिए जो भी प्रोसीजर है वो संबंधित विभाग में जाकर अपनी पीड़ा बताएं और वहीं से वो कार्रवाई सुनिश्चित होंगी। सर ठेका किसका, किसके नाम है? ये हमें जानकारी नहीं, आबकारी विभाग वाले से पूछना पड़ेगा। बाकी ठेका यहाँ पर किसी को अलॉट हुआ है ऐसा लोगों ने बताया है, पूर्व में तो यहाँ नहीं था, अब हुआ है तो पता करेंगे किसका है। आज हमने ये प्रदर्शन आशागंज सिंधी बस्ती गोड़ सदन के पास में आज देसी शराब का ठेका खोलने के हमने विरोध करा। विरोध हमारा ये था कि पूर्व में भी यहाँ एक देसी शराब का ठेका था, उसको भी हमने बंद कराया था, और यहाँ आए दिन पहले भी शराब की एक इतनी लत में लोग पड़ गए थे कि आमजन इतना परेशान रहने लग गया था कि कई शराब भी यहाँ आके सुबह शाम पड़ जाते थे, और महिला और उनका खतरा रहने लग गया था। जब ये दुकान खोलने के पूर्व में हमने उस व्यक्ति से बात करी, हमने उसको कहा कि आप ये शराब का ठेका यहाँ ना खोलें, इसको बंद कर दें। वो व्यक्ति हमारी बात को सुनकर करके चला गया, पर हम ये जानते हैं कि शराब का ठेका ऐसे बंद नहीं होगा, इसलिए हमने उस कार्रवाई के लिए विरोध प्रदर्शन करा। और ये प्रेस के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देसी शराब का ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए, हमारी मांग है और ये मांग सदा बनी रहे। यहाँ देसी शराब का ठेका खुलना है जी। दुकानदार कौन है, क्या नाम? दुकानदार का नाम कोई दीपू करके है, और पूर्व में दुकान है यहाँ पे, कोई वकील नकील के नाम से कोई ठेका खुला है दुकान के नाम से। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, असामाजिक तत्वों ने वेदों के बारे में की टिप्पणी, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष समुदाय द्वारा पवित्र ग्रंथ वेद के बारे में कब्रिस्तान के बाहर यह लिखा गया है कि वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना कठिन है। इसको लेकर सभी हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिला कलेक्टर के मुख्य द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, और उन्होंने इस मामले में प्रसंग ज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि जब आप वेद के बारे में नहीं जानते हो और वेद पढ़ना आपको उचित नहीं लगता है, तो ऐसे में ग्रंथ के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। लोकेंद्र दत्त मिश्रा,
विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर मंत्री। आज हम सभी यहाँ पर माननीय जिला कलेक्टर जी को ज्ञापन देने के निमित्त एकत्रित हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर के द्वारा ये ज्ञापन दिया जा रहा है। कारण ये है, अजमेर में स्थित केंद्रीय खान ब्यूरो के पास आदर्श नगर में स्थित एक संप्रदाय विशेष के कब्रिस्तान के बाहर उसके द्वार पर हमारे जो पवित्रतम ग्रंथ है, अत्यंत प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनका आदर करता है, ऐसे पवित्रतम ग्रंथ वेद के बारे में उस कब्रिस्तान के बाहर एक संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा एक आपत्तिजनक टिप्पणी वहाँ पर लिखी गई है। वहाँ लिखा गया है, वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना कठिन। हमारा ये प्रश्न उनसे ये है कि जब आप वेद के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, वेद में आपका विश्वास नहीं, वेद में आपकी श्रद्धा नहीं, वो आपके संप्रदाय से संबंधित नहीं, ऐसे ग्रंथ के बारे में, ऐसे हमारे पवित्र ग्रंथ के बारे में आपको टिप्पणी लिखने का क्या अधिकार है? और आप उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं कि वेद पढ़ना आसान है जब आपने वेद देखा ही नहीं? तो हमारा यही कलेक्टर साहब से यही वो अनुरोध है, ऐसे जो भी इस हिंदू धर्म, इस पवित्र हिंदू संस्कृति के पवित्र ग्रंथों को अपमानित करने वाले लोग हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये षड्यंत्र पूर्वक हो रहा है, इस हिंदू समाज को अपमानित करने का, इसके धर्म ग्रंथों को, इसके संतों को अपमानित करने का ये षड्यंत्र है। हमारा माननीय जिला कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि वे तुरंत इस पर कार्यवाही करें, और इसके पीछे जो भी, इस दुर्भावना के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें तुरंत ही उन पर अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही की जाए, और भविष्य में उनको ऐसा पाबंद किया जाए कभी भी हिंदू धर्म के या किसी अन्य धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में किसी प्रकार से ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। आपका नाम बताइए। लोकेंद्र दत्त मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद अजमेर महानगर मंत्री। अजमेर में आज किशनगंज थाना इलाके में रहने वाले नर्सिंग कर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मानसिक अवसाद के चलते आत्महत्या की। गंगाधर जाटम अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने जेलन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर जांच की मांग की है। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि मृतक पिछले 3 महीने से कोरोना ड्यूटी में लगा था, साथ ही संविदा कर्मी होने के बाद उसे नियुक्ति की आस थी, लेकिन सरकार ने अभी तक संविदा कर्मियों को स्थायी नियुक्ति नहीं दी, जिसके चलते वह मानसिक अवसाद में चला गया और उसने आत्महत्या का कदम उठाया। नर्सिंग कर्मियों ने सरकार से जल्द नियुक्ति की मांग करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जो आज उसकी बॉडी मिली है, अज्ञात बॉडी मिली है उसकी, कमरे में बंद था, सुसाइड कर लिया उसने। नर्सिंग कर्मचारी 3 महीने से कोविड-19 को देखते हुए लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं मरीजों के हित में। पूरे प्रदेश के हर मरीज कोविड-19, पूरे राजस्थान में जो ठीक होने मरीज, कोविड-19 के मरीज ठीक होने का अगर रेशो देखते हैं, रेशो दर, तो सबसे अच्छा जो रेशो दर है वो राजस्थान का है। और उसका कारण है क्योंकि नर्सिंग कर्मचारी मरीज के साथ अच्छे से व्यवहार करता है, मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए उसको मानसिक सपोर्ट भी कर रहा है, उसको भावात्मक सपोर्ट देते हुए मरीज की सेवा कर रहा है। डॉक्टर भी एक बार मरीज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहे, वो पाल्स ऑक्सीजन ऑस्किलेट नहीं कर रहे, लेकिन मरीज उसको कंधे से कंधा मिला के मरीज को ठीक करने के लिए सरकार का, हर प्रशासन का जो हर आदेश है उसकी पालना कर रहा है। 3 महीने से कर्मचारी घर पर नहीं जा रहे हैं, परिवार से दूर हैं, मानसिक रूप से अवसाद में जा रहे हैं। आज हमारा कर्मचारी जिसकी बॉडी मिली है मोर्चरी में है, अभी सुसाइड कर लिया, फांसी लगा के आत्महत्या की है उसने। उसका कारण है क्योंकि वो 3 महीने से परिवार से दूर था, साथ ही संविदा रूपी दंश से परेशान था। सरकार ने 28 अप्रैल को 2020 को एक आदेश जारी किया था संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए, लेकिन उस आदेश के नाम पर सरकार ने संविदा नर्सेज के साथ मजाक किया है। अभी तक उनको ना तो ज्वाइनिंग लेटर दिया है जिनसे उनकी सैलरी बन सके, ना ही उनके पर्यवेक्षण काल की गणना की जा रही है। इन चीज़ों से लेके वो कर्मचारी परेशान था। बीच में भी हमने कई बार उससे पूछने की कोशिश की थी, लेकिन बताया नहीं, अवसाद की कंडीशन में था। हमारी मांग है कि उसके जो परिजन हैं, आश्रित परिजन, उसको नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, तथा जो राजस्थान सरकार ने 28 अप्रैल को जो आदेश जारी किए थे संविदा नर्सेज को नियमित करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए स्थायी जॉइनिंग लेटर जारी करके पर्यवेक्षण काल 29 अप्रैल 2020 से माना जाए। अगर नहीं करती है तो हमको मजबूरन हमारे कर्मचारियों के हितार्थ हमको रोडों पे उतरना पड़ेगा और हॉस्पिटल से बाहर आना पड़ेगा। अभी हमने जितने भी कर्मचारी हमारे जिनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, डे ऑफ है, उन कर्मचारियों को ही बाहर निकाला है,
जरूरत पड़ी तो हम ऑन ड्यूटी स्टाफ को भी बाहर निकालेंगे। गंगासरन जाटव, जिलाध्यक्ष राजस्थान, नरसिंह जरासा, अजमेर। टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मनोरमा गोरा, प्रदेश कार्य समिति राजस्थान, ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड 19 महामारी के बीच जिस तरह से सफाई कर्मचारी व पत्रकारों ने लगातार इस महामारी के बीच कोरोना योद्धाओं के रूप में अपनी पूर्ण भूमिका निभाई, उसको देखते हुए टीम मोदी सपोर्टर संघ द्वारा सभी का सम्मान किया गया। सभी को माला पहनाकर सर्टिफिकेट दिया गया। महामारी के बीच सफाई कर्मचारियों ने भी अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाई है, इसलिए उनका सम्मान कर उनकी हौसला अफजाई की है। आज टीम मोदी सपोर्टर की तरफ से जो भी हमारे कोविड 19 द्वारा जो भी हमारे योद्धा हैं, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और मीडिया प्रभारी, जो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके और क्या बोलते हैं कोविड 19 से आम जन की सुरक्षा के लिए पूरा ध्यान रखते हुए दिन रात मेहनत करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्हीं के सम्मान के उपलक्ष्य में उसमें टीम मोदी सपोर्टर की तरफ से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिनमें उनका माल्यार्पण कर और सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान किया गया। मनोरमा गोरा, प्रदेश कार्य समिति, राजस्थान। अजमेर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर विश्वमोहन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मी पॉजिटिव आने के बाद भी उस परिसर में कार्य चल रहा है। दीपक गुप्ता, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को पंचशील स्थित विद्युत वितरण निगम कार्यालय पर संविदा कर्मी पॉजिटिव आया था, जिसके बाद उस मामले में अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने प्रबंध निर्देशक बीएस भाटी को भी इस बारे में ध्यान दिलाया। पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अभी तक कार्यालय के उस परिसर में कार्य चल रहा है। ऐसे में जहां बार बार बोला जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण मामले में साफ तौर पर लापरवाही बरती जा रही है, वहीं सरकारी गाइडलाइन की पूर्ण रूप से विद्युत वितरण निगम विभाग धज्जिया उड़ा रहा है। सरकार कोरोना काल के अंतर्गत निरंतर निर्देश दे रही है कि संक्रमण के लिए लापरवाही न बरती जाए और अपना कार्य बचाव रहते हुए किया जाए। दिनांक 8/6/2020 को अजमेर विद्युत वितरण निगम अजमेर के अंदर एक संविदा कर्मी CPC विंग के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला। 9/6/2020 को डिस्कॉम के प्रबंधक VS पाटी साहब ने 12 बजे से 4 बजे तक सेटलमेंट उसी विंग के अंदर 12 बजे से 4 बजे तक सेटलमेंट मीटिंग की। 10/6/2020 को वापस डिस्कॉम के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला, कर्मी एक कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके बावजूद भी वहाँ पर आज भी निरंतर रूप से उस विंग को सीज करने की बजाय वहाँ पर सेटलमेंट मीटिंग हो रही है, आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही है, सावधानी बरतने का कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा। सरकार के निर्देशों आदेशों की निरंतर रूप से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। अगर सरकारी कर्मचारी सरकार के आदेशों का धज्जियाँ उड़ाएगा तो आम जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आज आम आदमी पार्टी अजमेर ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर VS भाटी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दीपक गुप्ता, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।